टेंथ क्लास, अब हमारे पेपर शुरू होने हैं। तो अब मैं आपको फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर मैंने आपको बोला है कि वो उसमें आएंगे आपके यूनिट टेस्ट में, तो इसलिए आपको अब फर्स्ट चैप्टर की मैं साथ साथ में रिवीजन भी शुरू करवा रही हूँ, साथ साथ में आगे सिलेबस भी करवाऊँगी। तो अभी है कि फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर वन मैं आपको समझा रही हूँ दोबारा से। जो जो क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगी वो सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, ठीक है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन होता है वो क्या होता है, अगर नम वायु के संपर्क में आ जाता है तो उस पर सफेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। अब जब ये परत जम जाती है तो वो क्या करती है, जलने में अवरोध पैदा करती है, मतलब हम जला नहीं पाते हैं उसको, मैग्नीशियम रिबन को। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को पहले हम क्या करते हैं, रेगमार से साफ कर देते हैं। जब उसको साफ कर देते हैं तो साफ करने से क्या हो जाता है फिर, कि उसको आसानी से मैग्नीशियम रिबन को जलाया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है बेटा हमारा कि निम्न अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना। एक दिए हुए समीकरण की हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, इससे हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, ठीक है। तो इसकी संतुलित समीकरण क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन क्या होता है H2, क्लोरीन होता है Cl2। ये दोनों जब रिएक्शन कर देते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड HCl बना देते हैं। अब इसको क्योंकि हमें संतुलित करना है इसके लिए इसके आगे 2 लग जाएगा, जिससे हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 हो गए, यहाँ पे भी 2 हो गए, क्लोरीन यहाँ पे भी 2 हो गए और यहाँ पे भी 2 हो गए। नेक्स्ट रिएक्शन है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, इससे बनता है बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है बेटा। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट का होता है Al2SO4 थ्राइस, और इससे बन जाता है, बेरियम सल्फेट को लिखेंगे हम BaSO4 और एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है AlCl3। अब क्योंकि रिएक्शन हमने बैलेंस करनी है तो बेरियम के आगे 3 लगा देंगे, जिससे बेरियम यहाँ पे 3 हो जाएंगे, यहाँ पे भी 3 लगाने से बेरियम 3 हो जाएंगे और यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, ठीक है बेटा। जब आप इनको टोटल काउंट करोगे ना तो आपको दोनों तरफ रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है वो दोनों बराबर लगेंगे। नेक्स्ट है सोडियम प्लस जल, इससे बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो सोडियम को लिखते हैं हम Na से, जल होता है H2O, हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH प्लस हाइड्रोजन, और इनको बैलेंस करने के लिए इनके आगे सोडियम के आगे भी 2 लगेगा और जल के आगे भी 2 लगेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड के आगे भी 2 लगेगा। ये क्वेश्चन जो है आपने अच्छी तरह से पढ़ने हैं, समझने हैं। अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।